पिज़्ज़ा कुलचा विच इज़ अमृतसरी स्पेशलिटी, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलेगा। जी आयनु जी, और आज हम रोड टू पंजाब में कहाँ आए हैं? पप्पी की दुकान। यस, पप्पी की दुकान पे। पप्पी की दुकान पे हम क्या खाने आए हैं? सिर्फ दो चीज़ें खाने हैं। दो, इट्स अ गुड रेस्टोरेंट, बेमिसाल नाम से रेस्टोरेंट भी है, तंदूरी रेस्टोरेंट भी है, बट वी कम हेयर ओनली फॉर टू थिंग्स। वन इज़ द पिज़्ज़ा कुलचा विच इज़ अमृतसरी स्पेशलिटी, जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड देन यू हैव मट्ठी छोले। अगेन छोले सेम है लेकिन मट्ठी के साथ है। बेस्ट पार्ट क्या है ना, पिज़्ज़ा कुलचा, पिज़्ज़ा का मतलब होता है गीला। तो क्या करते हैं, कुलचा को लेके छोले में डालते हैं, जब थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है उसको वापस अपना प्लेट में डाल के, छोले ऊपर डाल के, प्याज ऊपर डाल के, हरी हरी चटनी ऊपर डाल के, थोड़ा सा अपना हरी मिर्च ऊपर डाल के, और साथ में आपको आंवला देते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अभी आजकल के मौसम में कभी आंवला देते हैं, कभी आम की कैरी देते हैं। आम की कैरी के साथ मैंने पहले खाया हुआ, उससे बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। अगर आपको आंवला पसंद है तो आप आंवले के साथ खाइएगा। वैसे भी कहते हैं कि बूढ़े का कहा और आंवले का खाया बाद में काम आता है, तो कहीं ना कहीं आंवला आपको हेल्प ही करेगा। और अगर आप नई जगह पे आए हैं और आप यहाँ का खाना खाएंगे तो आप हमेशा गुनगुनाएंगे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, रोड टू पंजाब पे, एक नई सड़क, एक नए शहर, जहाँ पे शायद आपको एक और मुस्कुराने का मौका मिलेगा। मिलेंगे आपको जल्दी रोड टू पंजाब पे।